वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिर बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेब चैनल में आपका स्वागत है वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस स्टे इन हिस्ट्री इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 17 जनवरी को घटित हुई थी। दिनोड बाई समैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर बेस्ड ऑन टूडे डिस्कशन तो चलिए देखते हैं आज के दिन ऐसी कौन सी खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बिगिनिंग विथ सेवेंटीन नॉट सिक्स अमेरिकन इन्वेंटर फिलॉसफर एंड डिप्लोमैट बेंजामिन फ्रेंकलिन वॉर्न बेंजामिन फ्रेंकलिन अमेरिकी आविष्कारक दार्शनिक और राजनायिक थे सोलह भाई बहनों के साथ एक गरीब परिवार में जन्मे बेंजामिन फ्रेंकलिन ने दस साल की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन गिवअप कर दिया क्योंकि परिवार उनकी फीस के लिए पैसे नहीं दे पा रहा था और उन्होंने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था इसके बावजूद इनके अचीवमेंट्स कई सारे He ही इज scientist, इन्वेंटर philosopher, डिप्लोमेट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका बेंजामिन Franklin को इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने की क्रेडिट भी दिया जाता है

इन्होंने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी भी बने इनको अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था इन in 1769 इनिशियली बेंजामिन फ्रैंकलिन ओन्ड स्लेव्स एंड डेल्ट इन देम बट बाय द लेट 1750s बिगन आर्ग्यूइंग अगेंस्ट स्लेवरी एंड बिकेम एन अबोलिशनिस्ट प्रमोटेड द एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ब्लैक्स इन अमेरिकन सोसाइटी उनके योगदान के लिए उन्हें आज तक सम्मानित किया जाता है एंड पोलिटिकल अचीवमेंट्स एंड हिज स्टेटस एज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट इंफ्लुएंशियल फाउंडिंग फादर्स हैव सीन बेंजामिन फ्रेंकलिन ऑनर्ड फॉर मोर देन टू सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ ज इमेज कैन बी सीन ऑन वन हंड्रेड डॉलर करेंसी नोट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑल्सो ऑन फिफ्टी सेंट पीस अमेरिकी सौ डॉलर के नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की छवि पाया जा सकता है हिज रेफरेंसेज कैन बी सीन इन द नेम्स ऑफ मेनी टाउन्स, कंट्रीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस एज वेल एज न्यूमरस कल्चरल रेफरेंसेज आगे बढ़ते हैं अगली इवेंट की ओर जो आज ही के दिन घटित हुई थी और हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है नाइनटीन फाइव बर्थ ऑफ रिक्रिएशनल मैथमेटिशियन दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर मनोरंजक गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर का जन्म हुआ था आज ही के दिन डी आर काप्रेकर का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के धानु में ये एक स्कूल टीचर और रिक्रिएशनल मैथमेटिशियन थे

एंड सेल्फ नंबर ऑफ रिजल्ट्स इन नंबर थ्योरी एंड डिस्क्राइब्ड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। इन्होंने नंबर्स के कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया नाइनटीन में इनका निधन हो गया आज भी उनका नाम गणितज्ञों में प्रसिद्ध है और कई अन्य गणितज्ञों ने उनके द्वारा खोजे गए गुणों के अध्ययन को आगे बढ़ाया है आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1945 इंडियन पोएट प्ले राइट एंड कॉम्पोजर जावेद अख्तर वॉज बॉर्न भारतीय कवि नाटककार और संगीतकार जावेद अख्तर का जन्म हुआ था जावेद अख्तर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में भी प्रसिद्ध है इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के ग्वालियर में अब इनके फैमिली के बारे में बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह जो 1857 में भारत में शुरू हुआ था इसमें इनके परदादा ने एक अहम भूमिका निभाई थी हिज ग्रेट ग्रांड फादर फाजिल ए हक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857।

इनके पिता जान निसार अख्तर एक फेमस बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग राइटर एंड उर्दू पोएट भी थे जावेद अख्तर भी उनके कई सारे अचीवमेंट्स के लिए इन नॉमिनेटेड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल एज द ऑफ राज्यसभा इनको 1999 में पद्मश्री से और 2007 में पद्मभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था

The UNSC held its first session on 17th of January 1946 at Church House Westminster London. संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लार्ज स्केल डिजास्टर के रूप में आई आपदा को मद्देनजर रखते हुए 24th of October 1945 को किया गया था. The United Nations was formed on 24th of October 1945. U.S. President Franklin Roosevelt proposed the formation of a council to guarantee world peace known as the Four Policemen. This four policemen comprised of the United States, United Kingdom, Soviet Union, and China. As per the UN structure, there had to be an enforcement branch to aid the executive in fulfilling its decisions. This was to be the Council of Four Policemen. यही ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना इसमें पांचवें मेंबर के रूप में फ्रांस को बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट टाइम एट लंडन इन दू के तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूके फ्रांस रशिया एंड चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी रोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर नेशंस टू सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली इन केस ऑफ वायलेशन इम्पोज सेंक्शन ऑन वायलेटिंग मेंबर कंट्री ये देशों के बीच विवादों के सेटलमेंट और नेगोशिएशंस के भी देखरेख करता है

सेक्रेटेट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द इकोमिक एंड सोशल काउंसिल दीज अलोंग विद्रॉम दिन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पंद्रह मेंबर्स है जो पांच परमानेंट मेंस और दस नॉन परमानेंट में रूप में डिवाइडेड है हर एक मेंबर के वोटिंग राइट होते है द परमानेंट में पावर ओवर द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन

भारतीय वकील और राजनेता ज्योति बसु का निधन हो गया ज्योति बसु अ पोलिटिशियन जो 1977 से साल 2000 तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। ये हाई कोर्ट में एक बैरिस्टर भी थे इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया के कैलकटा में ऑन नाइन्थ ऑफ जुलाई 1914। अब बात करते हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के संस्थापकों में से एक थे ऑल्सो मेंबर ऑफ द पॉलिट ब्यूरो पार्टी ईयर टू थाउजेंड एट और ये भी याद रखिएगा कि ये वेस्ट बंगाल के नोवे मुख्यमंत्री थे ही was नोटेड टू हैव been द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन एन इलेक्टेड डेमोक्रेसी एट द टाइम ऑफ his resignation. However, please note that the longest serving chief minister is Pawan Kumar Chamling who was the chief minister of Sikkim from 1994 to 2019 followed by Jyoti Basu of West Bengal who comes second in the list of longest serving chief ministers in India followed by Jigong Apang the chief minister of Arunachal Pradesh ज्योति बसु पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री है साल 2010 में आज ही के दिन पचानवे के उम्र में इनका निधन हो गया चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न ये सारे क्वेश्चंस आज के डिस्कशन पर ही आधारित है अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन हु इज अल हिंदिया असोरत अल हिंदिया के लेखक कौन है ऑप्शन ए मुस्तार खेराबादी ऑप्शन बी निसार अख्तर ऑप्शन सी जावेद अख्तर ऑप्शन डी फजल ए हक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू ऑन विच यूएस पेपर करेंसी नोट कैन द इमेज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन बी फाउंड किस अमेरिकी कागज मुद्रा नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की छवि पाया जा सकता है ऑप्शन ए फाइव डॉलर्स, ऑप्शन बी टेन डॉलर्स, ऑप्शन सी फिफ्टी डॉलर्स या ऑप्शन डी डॉलर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री विच स्टेट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया बिलोंग टू भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री किस राज्य के हैं ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी सिक्किम ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मेनी नेशनल फिल्म अवार्ड्स डज जावेद अख्तर हैव टू हिज क्रेडिट? जावेद अख्तर को कितने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी पांच या ऑप्शन डी नौ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फाइव

ऑप्शन ए शकुंतला देवी ऑप्शन बी नरेंद्र कृष्ण करमारकर ऑप्शन सी दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर या ऑप्शन डी पद्मनाभन रामानुजम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेवन वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था ऑप्शन ए चर्च हाउस इन लंडन ऑप्शन बी हंटो कॉलेज न्यूयॉर्क ऑप्शन सी लेक सक्सेस न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी गार्डन सिटी न्यूयॉर्क विद दिस क्वेश्चन कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस सेशन इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें कल फिर से मुलाकात होगी विथ मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग